हाय गाइज, आई एम योगी द्विवेदी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने गूगल क्रोम को प्राइवेट मोड पर चलाएं। इस प्राइवेट मोड पर चलाने से आपके हिस्ट्री नहीं सेव होगी और इसके चलाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे चलाना है। देखिए, मेरी हिस्ट्री खुल गई है, मैंने पहले से खोल कर रखा था, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। मेरे हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली है। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री कैसे सेव होती हैं और प्राइवेट मोड पर चलाने पे कैसे नहीं सेव होंगी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैठ गया। अभी मैं FB खोलता हूँ। FB यानी फेसबुक। FB लॉग इन किया। ये FB, ये देखिए, ये यहाँ पे खुल गया। अब आप इसको जब हिस्ट्री में भी देखेंगे तो ये हिस्ट्री में आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए देखते हैं, हिस्ट्री में दिखाई देता है कि नहीं। ये देखिए, अभी मैंने FB में लॉगिन किया था तो ये हिस्ट्री दिखा रहा है कि मैंने FB खोला था। बट मैं इसको एक बार फिर से यहाँ से हटा देता हूँ। अब प्राइवेट मोड पे चलाने के लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब हमारे हिस्ट्री कोई नहीं है, तो हिस्ट्री जा चुकी है। अब फिर से हम बैक चलते हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ सरकारी रिजल्ट, जो कि बहुत फेमस है। ये सरकारी रिजल्ट आ गया, ये देखिए। ये सरकारी रिजल्ट आ चुका है, ये देखिए, खुल भी गया। तो ये जो अभी चल रहा है प्राइवेट मोड पे नहीं है। इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको चल के देख लेते हैं, खुल रहा है। ये देखिए, सरकारी रिजल्ट की भी हिस्ट्री सेव हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको प्राइवेट मोड पे चलाएंगे तो हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होगी। देखिए, आपको क्या करना है प्राइवेट मोड पे चलाने के लिए। आप ऊपर देखेंगे जो सर्च बार है आपका, जहाँ पे सर्च होता है और जहाँ पे पेज दिखाता है, तो जो सर्च हो रहा है उसके बगल में पेज बना होता है और उसके बगल में तीन बिंदी रखी होती है, तो उन तीन बिंदियों पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने कर दिया। इस तरह खुल के आपके सामने आपका टैब आ जाएगा। जब इस तरह आपके सामने खुल के आपका टैब आएगा तो आपको इसमें मिलेंगे न्यू टैब, बुक मार्क, रिसेंट टैब, हिस्ट्री, शेयर, प्रिंट, फाइंड पेज, ऐड टू होम स्क्रीन, रिक्वेस्ट, डेस्कटॉप साइट सेटिंग और भी बहुत कुछ है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हमें दूसरा नंबर या आपके मोबाइल में जो भी हो, फिलहाल दूसरा ही होना चाहिए। न्यू टैब है, उसके नीचे लिखा हुआ है न्यू इनकोग नीटो टैब। न्यू इनकोग नीटो टैब, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अब देखिए, आपका जो क्रोम है, गूगल है, वो प्राइवेट मोड पे आ गया। आप कोई भी चीज़ आप खोलेंगे खुलेगा, बट जो आपकी हिस्ट्री है वो सेव नहीं होगी। तो इसमें क्या खोला जाए, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने सरकारी रिजल्ट खोल रखा था, दिखा देते हैं। सॉरी, ये देखिए दिखा रहा है, सरकारी रिजल्ट मैंने खोल रखा था। तो अब यहाँ पे मैं खोल देता हूँ कुछ अदर। चलिए, खोला जाए क्या, इसमें डाल दीजिए बॉलीवुड, बॉलीवुड इमेज। चलिए सर्च करते हैं बॉलीवुड इमेज। ये देखिए, खुल के आ गया। बॉलीवुड इमेज में से आप कोई भी कुछ भी खोल दीजिए। खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये खुल गया। मैं डाटा थोड़ा वीक है, सॉरी, डाटा वीक होने की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। ये देखिए, काफ़ी
काफ़ी सारी इमेजेस आपको दिखाई पड़ेंगी, ये बर्थडे स्पेशल ऐसे देख लीजिए। ये इमेजेस आपके सामने खुल के आ चुके हैं। आलिया भट्ट के हैं, दीपिका पादुकोण हैं, इधर देखिए हमें सलमान भाई, सल्लू मियाँ भी आ चुके हैं, ये अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। तो आप ये सब देख रहे हैं, मैं जैसे अभी क्लिक कर देता हूँ कि इस पर अनुष्का शर्मा विराट कोहली पे बहुत फेमस है आजकल ये लोग, ये दो कपल देखिए। तो जितनी बार क्लिक करते हैं कि वो सारी इमेजेस सेव होते जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ कि कैसे सेव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये सब यहाँ आपको पता चल जाएगी। ये देख लीजिए इमेजें, कुछ थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिए इमेज को देख के। चलिए अब आप देख लीजिए हिस्ट्री आपकी नहीं सेव हुई है, प्राइवेट मोड पे चल रहा था, तो हिस्ट्री देखिए अब नहीं सेव होगी। हम यहाँ से इसको इस टैब को हटा दिए, चलते हैं पुराने टैब पे अपने, इसको भी हटा देते हैं, नया टैब खोल लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो सके। अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री हम चेक करते हैं, हिस्ट्री वहाँ पे मैंने पहली बार जो खोला था राशन का, वो सॉरी सरकारी रिजल्ट खोला था, तो अब यहाँ पे जो मैं खोल रहा प्राइवेट पार्ट में जो खोला वो बॉलीवुड इमेजेस थी। तो बॉलीवुड की इमेजेस की हिस्ट्री आपको नहीं मिलेंगी और सरकारी रिजल्ट की ही मिलेंगी। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्राइवेट मोड पर नहीं मिलते हैं। ये देख लीजिए हिस्ट्री, ये देखिए अभी सरकारी रिजल्ट सिद्धो हिस्ट्री दिखा रहा है, और वहाँ पे मैंने जो सर्च किया था, जो खोला था, वो चीज़ें आपको नहीं दिखा रहे हैं। और आप चाहें तो उस टैब में कुछ भी खोल सकते हैं, और ख़ास करके जो पॉर्न साइड लोग खोलते हैं तो इनसे बचने के लिए आसान तरीका है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इन साइटों को देखें, क्योंकि इन साइटें देखने आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और यदि कुछ ऐसी चीज़ें आप खोल रहे हैं जो आपको नहीं खोलना चाहिए, आप का ईमेल एड्रेस जो होता है वो आपके गूगल में है, ऐड है, आप सोशल मीडिया तो है, ये हर जगह कनेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप खोलते हैं तो आपके गूगल के थ्रू आपका लोकेशन भी जाता है एंड्रॉयड सेट में। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो आप प्राइवेट मोड पे ही चलाएं। फिर प्राइवेट मोड पे आप चलाएंगे तो आपकी हिस्ट्री वो कभी सेव नहीं होगी, और आप बेफिक्र होके कुछ भी कैसे भी चला सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। फिलहाल आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक तो पहुंचाएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। गुड बाय।